दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय टीम के सामने न्यूजीलैंड का सुपड़ा साफ करने का बेहतरीन मौका है। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम इंडिया कीवियों को धूल चटाने के लिए तैयार है। वहीं तीसरे वनडे से पहले टीम में कई बड़े बदलाव भी हुए हैं। कई खिलाड़ियों को टीम से छुट्टी हुई है, तो वहीं ऐसे मैच विनर को प्लेइंग 11 में शामिल कर दिया गया है जो अकेले दम पर न्यूजीलैंड की धज्जियां उड़ा सकते हैं। तो आखिर तीसरे वनडे में क्या होने वाली है भारतीय टीम की प्लेइंग 11, सभी बदलाव हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली हार्दिक पांड्या में से सबसे बेहतरीन कप्तान कौन है? अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, दुनिया की दो सबसे मजबूत टीमों के बीच वनडे सीरीज का रोमांच अपने चरम पर चल रहा है। पहले वनडे में भारतीय टीम को बड़ी मुश्किल से जीत हासिल हुई थी, तो फिर दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड वापसी के इरादे से उतरी थी। लेकिन उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि अपनी जानलेवा गेंदों के लिए मशहूर मोहम्मद शमी उनके लिए बुरा सपना बन जाएंगे। जी हाँ, पिछले कुछ मैचों से शमी रिदम में नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन कप्तान रोहित ने उन पर भरोसा जताया और मोहम्मद शमी ने उस भरोसे पर खरा उतरते हुए न्यूजीलैंड की धज्जियां उड़ाकर रख दी। आपको बता दें, मोहम्मद शमी ने पहले ओवर में ही एलन को क्लीन बोल्ड कर न्यूजीलैंड को तहस नहस करने की शुरुआत कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने डैरिल मिचेल और माइकल प्रेसवेल को आउट कर न्यूजीलैंड की पारी को समेटने का काम किया। शमी ने आज अपने 6 ओवर के कोटे में महज 18 रन देकर 3 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया। तो वहीं उनसे भी एक कदम आगे निकलकर हार्दिक पांड्या तो पूरे इस मुकाबले में छाए रहे। जी हां, हार्दिक ने अपने 6 ओवर के कोटे में शमी से भी कम महज 16 रन खर्च किए और उन्होंने न्यूजीलैंड के दो सबसे महत्वपूर्ण बल्लेबाज कॉनवे और सेंटनर को अपना शिकार बनाया, जिसकी बदौलत भारतीय टीम ने कीवियों को महज 108 रनों पर समेट दिया। तो दोस्तों, इस लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की जीत की सभी उम्मीदों को तहस नहस करते हुए कप्तान हिटमैन शर्मा ने उतरते ही सीधे चौके छक्कों की बरसात करनी शुरू कर दी और देखते ही देखते अर्धशतकीय पारी खेलकर न्यूजीलैंड को कुचल के रख दिया। रोहित ने अपनी 51 रनों की पारी में 7 चौके तो वहीं 2 तूफानी छक्के लगाए थे, जिसकी बदौलत भारतीय टीम ने मेहमानों को 2-0 से सीरीज में धूल चटा दी। जिसके बाद अब खेले जाने वाले तीसरे वनडे में न्यूजीलैंड के पास अपनी लाज बचाने का आखिरी मौका है। तो वहीं भारतीय टीम मेहमानों को धूल चटाकर उनका सुपड़ा साफ करने के लिए बेताब है। जी हां, आपको बता दें, भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का अंतिम और तीसरा वनडे मैच मध्य प्रदेश की राजधानी इंदौर के होलकर स्टेडियम में होने जा रहा है। इस छोटे से मैदान पर रनों की जमकर बारिश होती है, जहां पर 350 रन बनाकर भी टीमें खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। ऐसे में जहां गेंदबाजों की श्यामत आने वाली है, वहीं बल्लेबाजों की जमकर चांदी होने वाली है। लेकिन तीसरे वनडे में अचानक टीम इंडिया में कई बड़े बदलाव हुए हैं। आपको बता दें, रोहित और शुभमन गिल की ओपनिंग जोड़ी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ बेहद शानदार परफॉर्मेंस की है, जहां हिटमैन के बल्ले ने भी तबाही मचाई, तो गिल की जितनी तारीफ की जाए कम है। ऐसे में इस जोड़ी में बदलाव की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही है। तीसरे वनडे में हमें गिल और रोहित की जोड़ी ही पारी की शुरुआत करते हुए दिखने वाली है। इतना ही नहीं, नंबर 3 के पायदान पर भारतीय टीम की बैकबोन के रूप में भारतीय टीम की आन बान शान विराट कोहली। हालांकि पिछले मैच में विराट कोहली जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन किंग कोहली तीसरे वनडे में जबरदस्त वापसी करने को बेताब होंगे। तो वहीं दोस्तों, नंबर 4 के पायदान पर रोहित शर्मा एक बड़ा फैसला कर सकते हैं। तीसरे वनडे के लिए सूर्य कुमार यादव को बाहर कर रजत पाटीदार को टीम इंडिया के लिए अपना डेब्यू करने का मौका दिया जा सकता है। वहीं पाटीदार का साथ निभाने के लिए ईशान किशन को चुना जा सकता है। हालांकि श्रीकर भरत के रूप में टीम मैनेजमेंट के पास एक विकल्प मौजूद है, लेकिन किशन ही हमें तीसरे वनडे में खेलते हुए दिख सकते हैं। हालांकि इस खिलाड़ी ने नंबर 5 के पायदान पर कुछ ज्यादा प्रभावित नहीं किया, लेकिन ये खिलाड़ी कभी भी मुकाबले का रुख पलट सकता है। दोस्तों, टीम इंडिया के टॉप और मिडिल ऑर्डर के रूप में ये खिलाड़ी भारतीय टीम की बैकबोन रहेंगे। उसके बाद ऑलराउंडर डिपार्टमेंट की कमान एक बार फिर सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी और भारतीय टीम के उपकप्तान हार्दिक पांड्या के कंधों पर रहने वाली है। हालांकि ना ही हार्दिक की बल्लेबाजी में जान दिखी है और ना ही गेंदबाजी से हार्दिक ने कोई कमाल दिखाया है। उन्होंने दूसरे वनडे में थोड़ा बहुत लय में वापसी की थी। ऐसे में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरा वनडे हार्दिक की वापसी का बिगुल हो सकता है। तो वहीं दोस्तों, हार्दिक का साथ निभाने के लिए वाशिंगटन सुंदर टीम के पहले विकल्प हैं, जो इंदौर के मैदान पर भारतीय टीम के लिए सबसे बड़े मैच विनर साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करें स्पिन डिपार्टमेंट की, तो इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है कलाई के जादूगर कुलदीप यादव को, जिन्होंने पहले वनडे में कमाल का प्रदर्शन किया था और तीसरे वनडे में भी रोहित शर्मा उनसे ऐसे ही उम्मीद कर रहे होंगे। तो वहीं भारतीय टीम की पेश अटैक की जिम्मेदारी शार्दुल ठाकुर को तीसरे वनडे से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है।
है। मैनेजमेंट अपनी टीम में धार और रफ्तार दोबारा वापस लाना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने टीम इंडिया के तीन सबसे खूंखार तेज गेंदबाज को प्लेइंग 11 में शामिल कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, वो तीन गेंदबाज कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज के साथ उमरान मलिक नजर आने वाले हैं, जिन पर रोहित शर्मा एक बार फिर भरोसा जता रहे हैं। दोस्तों, दो मैचों में ही न्यूजीलैंड का काम तमाम कर दिया। टीम इंडिया ने इस बात से बेहद नाराज दिखे न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन। अपना आपा खोते हुए उन्होंने भारतीय टीम के लिए कुछ ऐसा बयान दिया जिसे सुनने के बाद हर एक इंडियन फैन उनसे नफरत करने पर मजबूर हो जाएगा। आखिरकार हमेशा शांत और कूल दिखने वाले विलियमसन ने ऐसा क्या कह दिया जिसे सुनकर आपका भी पारा हाई हो जाएगा। दिखाएंगे उसका पूरा वीडियो, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, विराट कोहली और केन विलियमसन में से बेहतरीन बल्लेबाज कौन है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जब न्यूजीलैंड भारतीय सरजमी पर तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलने आई थी तब वो नंबर वन थी। उनके अंदर इतना घमंड था कि उन्होंने अपने सीनियर खिलाड़ियों को भारत भेजा ही नहीं, जिसका नतीजा अब सबके सामने है। पहले वनडे मैच में रोहित शर्मा की सेना ने न्यूजीलैंड को आखिरी ओवर में शिकस्त दी। इस मुकाबले में शुभमन गिल ने दोहरा शतक ठोककर इतिहास रच दिया। पहले मुकाबले में हारने के बाद उम्मीद थी कि न्यूजीलैंड दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया को कुछ कड़ी टक्कर देगी, लेकिन दोस्तों इस मुकाबले में कीवी टीम हर डिपार्टमेंट में फिसड्डी साबित हुई। आपको बता दें, भारतीय तेज गेंदबाजों के सामने न्यूजीलैंड के धाकड़ से धाकड़ बल्लेबाज घुटने टेकते हुए नजर आए और पूरी की पूरी टीम महज 108 रन पर ऑल आउट हो गई। और इस छोटे से लक्ष्य का पीछा करते हुए रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की बड़ी ही बेरहम तरीके से पिटाई की। हिटमैन अपने बल्ले से क्या क्या कर सकते हैं वो न्यूजीलैंड ने दूसरे वनडे में देख लिया। वैसे भी रोहित को कीवी टीम खासा पसंद आती है। तीन मैचों की सीरीज को टीम इंडिया ने 2-0 से अपने नाम कर लिया और इस बात को न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। यही नहीं, 2-0 से हार के बाद न्यूजीलैंड के नंबर वन का ताज भी छीन लिया गया। वो अब इंग्लैंड की टीम विराजमान है, वहीं भारत दूसरे पायदान पर पहुंच गया। इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब केन विलियमसन का बयान सामने आया है जहां उन्होंने टीम इंडिया के लिए जहर उगलते हुए कहा है कि बेशक हम सीरीज हार गए हो, ये उतना मायने नहीं रखता। हमारे खिलाड़ियों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, दूसरे वनडे में हम अच्छा नहीं खेल पाए हैं, इसका क्रेडिट भारतीय टीम को जाता है। मोहम्मद शमी और सिराज ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, उसके सामने हमारे बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन पहले मैच में हमने भारत को कड़ी टक्कर दी थी कि हम इसका बदला वर्ल्ड कप में ले लेंगे। वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर हम हमेशा ही टीम इंडिया को पछाड़ देते हैं और एक बार फिर से हमारा लक्ष्य ऐसा ही रहेगा। टीम इंडिया वर्ल्ड की नंबर वन टीम में से एक है और उनको हराना अपने आप में ही बड़ी बात है। मुझे भरोसा है कि सीरीज के अंतिम मुकाबले में हमारी टीम अच्छा खेल दिखाएगी। दोस्तों, पहले मुकाबले में हार के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन का यह बयान इस वक्त क्रिकेट जगत में जमकर चर्चा का विषय बना हुआ है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस बार भारत में होने वाले वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड की टीम हमें मात देगी या फिर हम 2019 की हार का बदला लेंगे? दोस्तों, बस थोड़ी ही देर में सीरीज का तीसरा वनडे मुकाबला एक नए स्टेडियम में खेला जा रहा है, लेकिन स्टेडियम में कैसे जीत कर भारतीय टीम 3-0 से पूरी सीरीज को अपने नाम कर लेगी या फिर न्यूजीलैंड की टीम पड़ा उलटफेर करके तीसरे मैच को जीत जाएगी और इस बार भी भारत का क्लीन स्वीप रह जाएगा। दोस्तों, इस तीसरे वनडे मैच से जुड़ा हर एक फैक्ट आपको बताएंगे, साथ ही कौन ये मैच जीतेगा वह भी। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, इस तीसरे वनडे मैच के लिए रोहित शर्मा को किसे खिलाना चाहिए और क्या वाकई में उमरान की जगह टीम में बनती है या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, साल 2023 का लगभग पहला महीना खत्म होने जा रहा है, लेकिन खत्म हो रहा है एक बहुत ही शानदार गुड नोट पर, जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम ने एक ही महीने के 23 दिन के अंदर ही तीन बड़ी सीरीज अपने नाम की। पहले श्रीलंका को हमने वनडे और टी20 में हराया और अब बारी न्यूजीलैंड की है। आपको बताएं दोस्तों कि इस समय भारतीय क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड से तीन मैचों की वनडे सीरीज खेल रही है। पहला मुकाबला जब खेला गया था तो हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में भारतीय क्रिकेट टीम ने बड़े शानदार तरीके से शुभमन गिल का दोहरा शतक देखा, 350 का टारगेट दिया और उस मैच को अंतिम ओवर में जीत कर अपने नाम कर लिया। दूसरा मुकाबला दोस्तों जब रायपुर में खेला गया तब तो मुकाबला पहले ओवर से ही वन साइडेड लग रहा था। भारतीय टीम की शानदार गेंदबाजी के आगे इस बार न्यूजीलैंड ने 108 रन पर घुटने टेक दिए और 109 रन चेज करके हम 8 विकेट और लगभग 30 ओवर शेष रहते ही मैच को जीत गए थे। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम की ये जीत हमेशा याद रहेगी क्योंकि इससे ही एक महीने में हमें तीसरी सीरीज जीत मिली। लेकिन अब बारी है सीरीज के तीसरे वनडे मैच को जीतने की। दोस्तों, सीरीज का यह तीसरा वनडे मुकाबला खेला जाना है इंदौर के हॉलकर स्टेडियम में। यहाँ पर अक्सर आपने आईपीएल के मैचेस देखे होंगे जो ज्यादा हाई स्कोरिंग जाते हैं। गेंदबाजों के लिए यह पिच तो वाकई में किसी सपने से कम नहीं है, क्योंकि दोस्तों पिच पर उछाल बहुत ज्यादा है और इसी मैदान पर सहवाग ने 200 भारत के लिए 219 रन भी जड़े थे। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह पिच बल्लेबाजी से लेकर तेज गेंदबाजों के लिए कितनी ज्यादा ही अनुकूल है। ऐसे में दोस्तों एक बात तो तय है, जो पहले टॉस जीतेगा वो ना सिर्फ स्कोर
स्कोर बड़ा बना पाएगा बल्कि उसके जीतने के भी चांसेस ज्यादा रहेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि इस मैदान में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमें 3 बार जीती हैं और पहले गेंदबाजी करने वाली टीमें मात्र 2 बार जीती हैं। मतलब कि स्लाइटली हायर चांसेस जीतने के जो पहले बल्लेबाजी करेगी। लेकिन दोस्तों मुकाबले को वाकई में कौन जीतेगा ये टीम सिलेक्शन पर भी तो डिपेंड करता है। भारतीय क्रिकेट टीम का करंट सिलेक्शन बहुत ज्यादा अच्छा है लेकिन न्यूजीलैंड की टीम को नकार तो नहीं सकते। दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम भी अपनी परफेक्ट प्लेइंग 11 के साथ उतरेगी और अगर आपको ब्रेसवेल की वो पारी याद हो तो इस मैदान पर वो कितने खतरनाक हो सकते हैं इस बात का अंदाजा आप लगा ही चुके होंगे। दोस्तों चलिए एक छोटा सा ब्रीफ आपको न्यूजीलैंड की टीम का पहले देते हैं। दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम के पास भी बहुत अच्छा बल्लेबाजी लाइनअप है। फिन एलन की बात की जाए या डिवॉन कॉनवे की, डैरिल मिशेल की बात हो या हेनरी निकोल्स की, हर किसी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ी है। और टॉम लेथम, ग्लेन फिलिप्स व ब्रेसवेल और मिशेल स्टेटनर को भी गिन लिया जाए तो उस टीम का जो बल्लेबाजी का लाइनअप है वो 7वें और 8वें नंबर तक पहुंच जाता है। मतलब बल्लेबाजों की इस टीम में कमी नहीं है और गलती से इनकी पहले बल्लेबाजी आ गई तो स्कोर 250 या 300 या उससे भी ऊपर जाना लगभग कंफर्म है। गेंदबाजी में न्यूजीलैंड के पास थोड़े ऑप्शन कम है। लॉकी फर्ग्यूसन और शिपली पर ज्यादा निर्भर रह रही है न्यूजीलैंड की टीम। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम के पास इशोडी व चैपमैन जैसे भी गेंदबाज हैं। अब इन दोनों में से किसे मौका मिलेगा वो तो वक्त बताएगा। लेकिन दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम का लाइनअप कुछ ऐसा है जिसे देखकर ही शायद न्यूजीलैंड की टीम अब डर जाएगी। रोहित और गिल की परफॉर्मेंस शानदार है। इसके अलावा मिडिल ऑर्डर में कोहली, सूर्य कुमार यादव हैं, ईशान किशन भी हैं। और अगर उनकी जगह किसी को मौका देते हैं तो वो भी अच्छा ही करेंगे। और अगर नहीं भी कर पाए तो पांड्या टीम का हिस्सा है। वॉशिंगटन सुंदर ऑलराउंडिंग डिपार्टमेंट में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। कुलदीप यादव उम्दा प्रदर्शन करके दिखा रहे हैं। और अगर रफ्तार के लिए टीम में उमरान मलिक को शामिल किया गया तो शमी की स्विंग गेंदबाजी अपनी उछाल के दम पर न्यूजीलैंड की कमर वैसे ही तोड़कर रख देगी। इतना ही नहीं दोस्तों टीम में शार्दुल ठाकुर भी है तो बल्लेबाजी तो हमारी भी 7-8 नंबर तक जाती है। लेकिन अब देखना होगा कि तीसरे वनडे मैच में बाजी मारकर इस आखिरी मुकाबले को कौन जीतेगा। लेकिन आप सभी को क्या लगता है इस अंतिम मैच को कौन जीतकर दिखाएगा, भारत या न्यूजीलैंड, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।